जयशंकर साहब, ये तो आपने अपना एक रोड मैप बताया है कि अगर आप सरकार में आते हैं तो इस तरीके से आप काम करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि क्योंकि आप लोगों का फोकस आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर भी है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चीन लगातार जमीन को यहाँ स्क्वीज, उस पर कब्जा करता चला जा रहा है। आप लोग जो है वो कच्चा थीवू की तरफ जिक्र कर रहे हैं जो कि बरसों पहले हो चुका था। आज अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि स्थिति हिंदुस्तान की चीन के बरक्स किस तरीके से, क्या सच में उसने बहुत सारे गांव हमारी जमीन पर बना दिए जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से? देखिए, आपने गांव का जिक्र किया ना, आप गांव का लोकेशन देखिएगा प्लीज। ये गांव जो है 1959 में लोंगजू नाम के जगह में चाइना ने इस पे गिरफ्तार किया, और उस समय ये पार्लियामेंट में 1959 की बात कर रहे हैं हम, उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी, आप जानते हैं किसकी सरकार थी। तो वहाँ लद्दाख में लोग पुल की बात करते हैं कि वो पंगोंग सो लेक पे पुल बन रहा है, आप देखिएगा वहाँ इतिहास देखिए, रिकॉर्ड देखिए, वहाँ ये लेक जो है जहाँ ये पुल बन रहा है ये 1958 में चाइना आया था। तो आपको गुमराह कर रहे हैं, अभी जो हो रहा है वो ज़मीन है जो चाइना ने 62 के समय में भारत से छीना था। ये 38,000 किलोमीटर है, अक्साई चीन में है, अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ जो भी गांव बन रहे हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो उस छीने हुए ज़मीन पे बन रहा है, इसकी जिम्मेदारी हम पे नहीं है, उस समय की सरकार और उस पार्टी की है जो आज विपक्ष में है। और जो कच्छतिबू की जो आप बात करते हैं, हम डाइवर्शन के लिए नहीं कर रहे, कच्छतिबू का मैं सत्य बताता हूँ आपको, कच्छतिबू का अग्रीमेंट 74 में हुआ, उसके बाद 76 में मछुआरों का जो हक जो है वो त्याग दिया गया। ये जो है उस समय कांग्रेस सरकार ने, केंद्र सरकार ने की थी, और 74 में डीएमके ने अपनी हाँ भरी थी इसमें। तो अभी डीएमके कहता है कि भाई हमें तो कुछ लेना देना नहीं, हमें तो पता भी नहीं था कि ये हो रहा है, हम इसके खिलाफ है। सत्य तो ये है कि डीएमके बिल्कुल शामिल था। हम आज हमारे मन में है कि तमिलनाडु के पब्लिक को जानना चाहिए कि डीएमके का असली चेहरा क्या है और कांग्रेस का क्या है, और ये मिले जुले हुए हैं तमिल मछुआरों का हक जो है इसको त्याग करने में। तो हम डाइवर्ट करने के लिए नहीं कर रहे, हम चीन के भी बात कर सकते हैं, पाकिस्तान पे भी कर सकते हैं, श्रीलंका पे भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया पे कर सकते हैं, हमें वो क्षमता है, हमें कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं। और बहुत साफगोई से आपने सारी बातें भी रखी है, आप खुद एक तमिल परिवार में पले बड़े हैं, वो सारे संस्कार आप लेकर आगे बढ़े हैं, लेकिन एस जयशंकर साहब, जिस साउथ का बार बार बीजेपी जिक्र कर रही है, 400 पार में ये साउथ, ये दक्षिण मददगार साबित होगा, आप खुद वहाँ से ताल्लुक रखते हैं, आर यू कॉन्फिडेंट इनाफ? देखिए, मुझे पिछला 5 साल पहले उस समय लोग कहते थे कि हम 300 पार नहीं करेंगे, मैं उस समय राजनीति में नहीं था पर तब भी मैं सुनता था ये। तो अगर हमारा लक्ष्य है 400 पार करने का, पर मैं ये आपको कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद केरल से आया हूँ, आज जो मैं दक्षिण में जो ऊर्जा मैं देख रहा हूँ ना, जो रुचि देख रहा हूँ भाजपा में, और जो भाजपा में जितना विश्वास, जितना भरोसा करते हैं लोग, और मोदी जी पे खास, कि उनको लगता है कि मोदी जी अगर उनका रिकॉर्ड देख के कि ये मोदी की गारंटी जो है ये खाली एक प्रांत एक राज्य में नहीं चलती है, पूरे देश में चलती है, और मैं लिख के देता हूँ आपको, भारत के दक्षिण राज्यों में भी मोदी की गारंटी जो है उसको वो गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। जयशंकर साहब, आपने काम किया इस सरकार में, मैनिफेस्टो के साथ साथ आपको रिपोर्ट कार्ड भी बतानी है, मैं चाहती हूँ कि ये जो कंक्लूडिंग आपका रिमार्क है उसमें आप देश की जनता को इस सरकार में जो आप विदेश मंत्री रहे, रिपोर्ट कार्ड बता सकते हैं उन 5 बिंदुओं में कि अगर देश की जनता आप पर यकीन करे तो क्यों करे, ऐसा क्या है आपने? देखिए, मैं कहूँगा कि देश की जनता हम पे भरोसा करें, एक कि पिछले 10 साल में अगर वो सुशासन देखें, खासकर डिजिटल माध्यम के थ्रू जो योजनाएं जो हैं, जो अलग
जितने लाभार्थी हैं, जैसे मैंने कहा 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, 50 करोड़ लोगों को बैंक में पैसे मिलते हैं। वो जमा एक ज़माना था 10 साल पहले जहां 100 रुपए में से 90 रुपए जो है रास्ते में लीक हो जाते थे। तो एक तो हमने बस भ्रष्टाचार बंद किया है, खासकर पब्लिक डिलीवरी में बंद किया है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि कोविड की जो चुनौती जो थी, महामारी जो थी, पूरे दुनिया में अगर एक देश है जिसने सामना किया, पहले दुनिया हम पर चिंता कर रही थी, अंत में हमारे योगदान के कारण दुनिया जो है इसको संभल पाई। तीसरी बात मैं आपके सामने रखूँगा कि आज जो है युवा पीढ़ी के लिए एक नया होप बना है, क्योंकि युवा पीढ़ी देखते हैं कि प्रधानमंत्री जैसे अगर राजनीति में कोई नेता हो तो जो पॉलिटिक्स की जो छवि जो बिगड़ चुकी थी ना 2014 के पहले, अब वो छवि जो है उसमें बहुत सुधार आई। तो मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत अच्छा। चौथा मैं कहूँगा, आज हमें अपने टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर भारत पर विश्वास है। हम ऐसी चीज़ कर पाए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, को फार्मा में, दवाइयों में, चंद्रयान भेज के, जो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि भारत माने ये हमारे क्षमता में है। और विपक्ष जो है, विपक्ष बार बार कह रहा था कि हम तो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर सकते। और आखिर मैं कहूँगा विदेश नीति, आज आप भारत की प्रतिष्ठा देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और हर भारतीय जो देश का बॉर्डर छोड़ के बाहर जाता है ना, कितने गर्व और कितने विश्वास के साथ जाता है। तो ये 5 बिंदु आप ख्याल रखिएगा। इसके साथ चलिए मैं ख़त्म करता हूँ। एक बार और आपसे बात करने में बहुत खुशी हुई। नमस्कार।